हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आ रखे हैं अपने छोटी दादी के गांव पे, जो है कौसानी में। इस गांव का नाम है कमलेक, और यहां से पहाड़ों का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। तो गाइस, ये जो आप येलो कलर का घर देख रहे हैं, ये है मेरी छोटी दादी का घर, और उसके ऊपर कैप्टस का पौधा और अलग अलग तरीके के पौधे हैं। यहाँ पर मेरी दादी ने, छोटी दादी ने बहुत सारे पेड़ उगा रखे हैं, जैसे केले का पेड़, आम का पेड़। और यहाँ के आम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इनमें रस बहुत ज़्यादा होता है। कमलेक गांव में थोड़ा समय बिताने के बाद हम चल पड़े अपने बूबू के घर, जिस गांव का नाम है पिंगलकोट। और आप ये देख सकते हैं उत्तराखंड की खूबसूरती। और यहाँ पर जो आप सबसे दूर में पहाड़ देख रहे हैं, वहाँ पर फॉगी हो रखा है, क्योंकि वहाँ पर बादल आ रखे हैं। उत्तराखंड में जो खेती करी जाती है, उसे कहते हैं सीढ़ीनुमा खेती, और ये दिखने में बहुत ही अच्छी दिखती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है टी गार्डन। तो यहाँ से किसान लोग कलियाँ तोड़ते हैं और कौसानी के मेन टी फैक्ट्री, जहाँ पर टी बनती है, वहाँ पर देते हैं। और इसके और फिर प्रोसेस होने के बाद फिर इसको बेचा जाता है। और ये जाती है मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट होती है, और एक्सपोर्ट होती है ये 25 से 50,000 के बीच में। अब हम आ चुके हैं हेरिटेज रिजॉर्ट, जो कि उत्तराखंड का और कौसानी का सबसे अच्छा रिजॉर्ट और फेमस रिजॉर्ट है, और ये दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। टी फैक्ट्री कौसानी में। तो ये है टी फैक्ट्री। यहाँ पर चाय पत्ती बनती है, चाय पत्ती। चलते नीचे। परमिशन मिल चुकी है जाने के लिए। टी फैक्ट्री की वीडियो शूटिंग के लिए हमें परमिशन नहीं मिली, तो हम फिर चले गए ऊपर टी गार्डन की तरफ। अच्छा, वो बना वीडियो बना रहा है। तो जैसा कि आप साइन बोर्ड में देख सकते हैं, लिखा है मैगी पॉइंट। तो थोड़ा आगे चलने के बाद सामने एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का बन रहा है, जहाँ पर मैगी बनती है। तो ये है नाशपाती का पेड़, और यहाँ पर बहुत सारे नाशपाती के पेड़ लगे थे। और ये है टी गार्डन, जहाँ से डायरेक्ट टी की पत्तियाँ निकल तोड़ते हैं और फैक्ट्री में जाती हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है सुमेधानंदन पंत। सुमेधानंदन पंत पैदा हुए थे 20 मई 1900 में। साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक है, और इनका जन्म बागेश्वर जिले में कौसानी गांव में हुआ था। और ये है उनका घर जिसको रिनोवेट किया है, क्योंकि जो इनका पुराना घर था वो टूटने की हालतों में था, तो उसको सरकार ने वापस से रिनोवेट करने की सोचा। घर में रिनोवेशन चलने के कारण सुमेधानंदन पंत की सारी चीज़ें एक जगह पर रखी गई हैं, जैसे उनकी टेबल, चेयर, कुर्ते, कोट, और उनकी बहुत सारी बुक्स जो उन्होंने लिखी है और जो वो पढ़ते थे। और ये है उनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ जिसमें वो बड़े बड़े कवियों के साथ हैं और नेताओं के साथ। तो जब भी आप कौसानी आए, सुमेधानंदन पंत के घर में ज़रूर आए और देखें वो कैसे रहते थे। ये है रियल ब्यूटी ऑफ कौसानी। ये है हिमालयन रेंज, और इसीलिए कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं और मेरे भैया चिकन बना रहे थे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सेव एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।